हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन वन एस एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर आप सभी का स्वागत है मैं अचल गोड़ आपका शॉर्ट हैंड टीचर तो जैसे कि ये सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट बना रहता है हमेशा हिंदी मेनली जो हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड कि सर हिंदी शॉर्ट हैंड तो हम कर लेंगे लेकिन बात आती है जब टाइपिंग की तो हमको कौन सा फ़ोन सीखना चाहिए कौन से फ़ोन पर हमको टाइपिंग आनी चाहिए हम हिंदी स्क्रिप्ट पर स्टार्ट कर रहे हैं या क्रुति देव पर या रेमिंटन गेल तो आज हम उसी के लिए एक सेशन लेकर आए हैं आपके सामने कि कौन से फ़ोन पर हिंदी सीखना है हिंदी शॉर्ट सीखना है आसान सही है तो जल्दी से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए वीडियो को जिसका भी ये डाउट है जो आपका फ्रेंड या फिर आपका सपाटी जो भी है या फिर आपका रिलेटिव कोई भी आपसे पूछता है बार बार कि भाई बता दे हिंदी टाइपिंग के कौन से फोन पर करूं तो उस सभी के लिए ये वाला मार्विलियस टॉपिक होने वाला पूरा सेशन अच्छे से आपके सभी इसमें डाउट क्लियर करने वाले हैं और हाँ किस डिपार्टमेंट में कौन सा फोन लागू होता है ना कौन सा फोन को वो एक्चुअल में वैलिड करते हैं वो सब आपके लिए बताने वाले हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए एकदम से और अपने जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के तो अपने डाउट्स एकदम बता दीजिए है ना अपने डाउट्स भी आप बता दीजिएगा जिससे कि हम आपको शेयर कर दें कि आपके डाउट्स भी उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाए तो हम सब पहले सबसे पहले जो बात करते हैं तो हिंदी टाइपिंग कि अगर हमारी हिंदी टाइपिंग होती है तो सर इसका जो फोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये सभी को मोस्टली पता भी है एक तो था सर इसके अंदर जो हमारा सबसे पुराना फोन चलता आ रहा है ना तो वो कौन सा होता है क्रुति हम कुर्ती कुर्ती बोलते हैं कुर्ती देव कुर्ती नहीं होता क्रुति देव सही है तो सबसे पहला तो होता है अपने पास क्रुति देव फिर सर कौन सा होता है फिर इसके बाद अपना एक चला मंगल है ना जो मंगल तो आजकल सभी को पता है जो भी हिंदी टाइपिंग करता है या हिंदी की फील्ड में है शॉर्ट हैंड के या फिर टाइपिंग के तो उसको सबको पता है सर एक होता है मंगल अब मंगल के भी ना अंदर ये तो होगी एक मेन इसके अंदर बहुत सारे इसके फॉर्मेट्स होते हैं बहुत सारी इसके लेआउट्स होती हैं तो एक लेआउट इसी में होती है सी सही है एक लेआउट कौन सी होती है सी दूसरी रेवा होती है इसकी गेल और एक होता है सर इसका सबसे अलग स्क्रिप्ट मंगल इन स्क्रिप्ट सही है फिर एक होता है हमारा इनस्क्रिप्ट इस तो इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे ईजिएस्ट कौन सा फॉर्म होता है या फिर ऐसा हिंदी का कौन सा फॉन्ट है जो एकदम इंग्लिश की तरह है जो एकदम इंग्लिश की तरह है तो वो कौन सा होता है वो होता है अपना इनस्क्रिप्ट सर अगर हम कुर्ती देव की बात करते हैं कुरुति देव तो कुरुति देव क्या होता है तो देख लो यहाँ पर हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं कृति देव और दोनों के लेआउट हैं आपके साथ है ना ये कॉपी होगा ये कॉपी होगा और हम सर देखो इसको पहले अलग अलग सेपरेट ही देख लेते कोई नहीं तो अपने पास ये जो लेआउट है ये लेआउट है एस एस सी वेरी गुड मॉर्निंग ये लेआउट है अपने पास किसकी कृति देव की सबसे टफ यही माना जाता है कृति देव। क्यों टफ माने जाते जैसा हम हिंदी लिखते हैं ना कि अगर उसमें छोटी ई की मात्रा पहले आई है तो पहले लिखेंगे है ना मान लो अगर हमें किसी लिखना है अगर हमको लिखना है किसी ठीक है तो क्रूति देव में जब आप टाइपिंग करते हो तो कृतिक देव में जब टाइप करते हो कंप्यूटर पर तो आप कैसे करोगे सबसे पहले आपको ई की मात्रा ही लिखनी होगी ये वाली सही है फिर आप लगाओगे क फिर आप लगाओगे से फिर आप बाद में क्याओगे ये तो मतलब एक वर्ड को लिखने पर चार बार आपको की प्रेस करनी पड़ेगी ये है अपनी कुर्ति देव का लेआउट आउट है ये क्या है अपना देव का लेआउट और सर इसमें क्या होता है आप सिंपल कोई वर्ड डायरेक्ट नहीं बना सकते अगर मान लो आपको कृषि वाला ये वाला क्रय बनाना है है ना तो ये डायरेक्ट नहीं बनाओगे इसके लिए देखो आप ये सामने की बोर्ड है इसमें बताओ कहीं पर ये वाला दिख रहा है आपको यहाँ पर की मात्रा होगी मैं तय जय ना और एक चीज और हाँ इसमें आप कोई भी वर्ड डायरेक्ट नहीं बना सकते आपको इसमें पहले हाफ बनाना होता है उसके बाद मात्रा लगाओगे तब वो वर्ड पूरा बनकर आता है अमन ऑल सब्जेक्ट हेलो है ना तो इसमें क्या होता है सबसे पहले आप जैसे आपको कोई वर्ड बनाना मान लो ख बनाना है तो ख डायरेक्ट नहीं बनता ख इसमें पहले आधा बनेगा पहले आधा खै फिर आकर डंडा लाओ मतलब एक वर्ड बनाने के लिए भी आपको कितनी बार की दबानी पड़ेगी दो की प्रेस करनी पड़ेगी कितनी की प्रेस करनी पड़नी इसलिए क्रुति देव बहुत ज्यादा टफ माना जाता है दूसरी चीज इसमें कोड बहुत सारे होते हैं क्रुति देव की बात करते हैं तो इसमें कोड बहुत सारे होते हैं स्पेशल वर्ड अगर आपको बनाना वाला है बनाना तब भी आपको कोड लगाना होगा है ना ये वाला क्या बनाना क्रे वाला तब भी आपको क्या लगाना होगा एक स्पेशल अलग से कोड लगाना होगा बट सर जब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने फोन की तरफ इन तो ये होता है एकदम इंग्लिश की तरह ये क्या है As easy as English typing. So, yeah. मतलब बिल्कुल इंग्लिश टाइपिंग की तरह अगर हमारे पास कोई हिंदी टाइपिंग का फोर्ट होता है तो वो होता है अपने पास मंगल इन स्क्रिप्ट जैसे अपना मंगल इंग्लिश में क्या होती है इंग्लिश में ट्वेंटी सिक्स कीज होती है ना इसी तरीके से अपना ट्वेंटी सिक्स होती है इनस्क्रिप्ट में ही और सब कुछ बर्ड अगर आपको हिंदी की टाइपिंग नहीं आती तो आप इसको डायरेक्ट सीख सकते हैं डायरेक्ट इसको सीख सकते हैं क्यों सीख सकते हैं सर देखो आपको अगर कै बनाना तो डायरेक्ट बना दोगे कै और ये दो चीज होती है ना एक वर्ड तो हम बोलते हैं लाइटली और एक बोलते हैं थोड़ा इंफेसाइज कर जैसे क ख है ना प फ इसी तरीके से त थ तो बस ये कॉम्बिनेशन के साथ ही हमारा क्या है ये कॉम्बिनेशन के साथ ही हमारे पास ये वर्ड आते देखो कै अगर आप बिना शिफ्ट के उसको प्रेस करोगे तो वो बनेगा कै आप अगर शिफ्ट लगाकर शिफ्ट प्रेस कर आप अगर करते हो तो उसमें बन जाएगा कै सही है इसी तरीके से आप अगर दे बनाते हो अगर विदाउट शिफ्ट आप ओ दबा देते हो तो बन जाएगा दे। अगर उसी को आपको ध बनाना तो ध्या बनाने के लिए शिफ्ट दबाकर ध्या बना दो तो बन जाएगा धै तो मतलब जो अपने पेर वाले कॉन्सोनेंट है पेयर वाले वर्ण है उन वर्ण को क्या है हमारा वो शिफ्ट के साथ काम करेंगे दोनों पेयर में ठाकुर अभिषेक चौहान वेरी गुड मॉर्निंग भाई हिंदी टाइपिंग सीखना है जागरह थी वेरी गुड मॉर्निंग अगर आपको हिंदी टाइपिंग सीखना है तो हम यहाँ पर बता रहे हैं सभी आपको सेशन बहुत अच्छे से सीखना है ठीक सीख? है तो आपका जो इनस्क्रिप्ट लेआउट होती है इंग्लिश इंग्लिश का सॉरी मंगल का इनस्क्रिप्ट होता है तो ये सबसे ईजीएस्ट होता है दूसरी बात सर एक तो पता चल गया इसमें पेयर ए की पर है दूसरी बात क्या होती है इसकी इसमें दूसरी चीज होती है इसमें एक भी कोड नहीं होता नो no कोड सही है हमको इसमें एक सिंगल कोड भी नहीं लगाना तो सर हम आधा कैसे बनाएंगे तो आधा बनाने के लिए क्या होता है है अब लो हमें कोई आधा बनाना है। लो अगर हम ऐसे बनाना, बनाना तो लिख सकते या फिर हम कैसे लिख सकते आधा खे ये आ है ना? और पूरा लिखेंगे तो उसके नीचे हलंत लगा देंगे क्यों क्योंकि ये हलंत लगने से वर्ड क्या बन जाता है आधा तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जब शॉर्ट हैंड टाइप करेंगे या फिर टाइपिंग करेंगे हिंदी की कौन से फोन पर इन स्क्रिट फोन पर तब हमें कोई भी वर्ड अगर आधा बनाना है तो हम उसके नीचे किसका यूज करेंगे हलंत जो हलंत हमको कहाँ पर मिलेगा डी वाली साइड पर अगर हम डी विदाउट शिफ्ट दबा देते हैं तो ये हमारे पास जो आता है ये हलंत का काम करेगा किसी भी वर्ड को आधा बनाने के लिए मान लो सर आपको क्या लिखना है आपको लिखना? क्या लिखना कया है ना तो ये होता है तो आप कंप्यूटर पर क्या टाइप करोगे क्या बनाकर उसके नीचे हलन और ये आ आया इस पर लग गया अब दूसरा एक और जैसे हमारे पास क्रुति पर यह था अगर हमने क्रुति पर यह लिखा था किसी तो हमने सबसे पहले क्या दबाया था सबसे पहले हमने क्या यूज करी थी छोटी ही की मात्रा लेकिन जब हम इनस्क्रिप्ट पर टाइप करेंगे ना तो हम इनस्क्रिप्ट पर अगर हमें वर्ड टाइप करना है किसी अगर इनस्क्रिप्ट पर हमको वर्ड टाइप करना है किसी तो हम कैसे टाइप करेंगे देखो सबसे पहले हम कह दबाएंगे फिर छोटी फिर हम से, और फिर बड़ी तो मतलब इनस्क्रिप्ट फॉन्ट लेआउट बिल्कुल सेम होती है जैसा कि हम बोलते हैं हिंदी को जिस तरीके से उसकी स्पेलिंग हम पढ़ते हैं वैसे नहीं नहीं अभिषेक अब ठाकुर नहीं गुड़गांव सारी क्लास है ना ठीक है तो मतलब क्या हमारा ये आ, जैसे कि हमारे पास हिंदी हम बोलते हैं सेम वे में हिंदी लिखी जाती है ऑन कंप्यूटर जब हम बात करते हैं इनस्क्रिप्ट की ठीक है तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने पास क्या सर थोड़ा मॉर्निंग फास्ट पढ़ा हो सर तो हमारे पास क्या हो गया ये एकदम ईजीएस्ट फॉर्म होती है हिंदी टाइपिंग की जब हम बात करते हैं इनस्क्रिप्ट की ठीक है किसी का कोई डाउट इसमें हमको एक भी फोन नहीं लगाना मान लो अगर सर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना तो हम हिंदी में तो क्वेश्चन मार्क का भी यूज करते हैं सिंबल लेकिन हम इसके लिए कोई कोड नहीं लगाते हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं कहाँ मिलेगा हमको जो क्वेश्चन मार्क होता है ना उसी पर और इसको यह बना देंगे इसमें कुछ फोन होते हैं जैसे हमें यह मानना है एक्सक्मेटिव साइन लगाना तो इसका कोड क्या होता है अस्सी तैतीस है ना थर्टी थ्री अब सर क्या कोड हम डायरेक्ट प्रेस करते नहीं तो अपने पास एक मोडिफायर की होती है जिसको हम बोलते हैं एल्ट की क्या बोलते हैं एल्ट की एल्ट और कंट्रोल की जो होती है, ये अपनी modifier होती है।, ये भी आता है कि की कीबोर्ड की कौन सी कीज को हम मोडिफायर की कहते हैं मोडिफाई मतलब जिसके प्रेस कर हम कोई दूसरी की प्रेस करें तो कुछ अलग ही मोडिफाई हो जाए हु? तो हम जब एल्ट के साथ 33 दबाते थ्री थ्री दबाते हैं तो ये हमारे पास इनस्क्रिप्ट लेआउट पर क्या बनकर रह जाता है एसक्रीमेट्री साइन क्लियर है सभी के डाउट क्लियर है ना किसी का अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं टाइपिंग से रिलेटेड अब सर बात करते हैं सर हिंदी कैसे लगाने होते हैं इसमें हमको कोड कौन कौन से लगाने होते हैं तो आपको बताते हैं देखो इधर आपके सामने कैसे कैसे हम कोड लाएंगे इसके क्रुति देव के ना फोन भी वो होते हैं ग्यारह छह अभी आपके सामने दिखाते हैं ना।, ना तो ये अपने पास इसकी कोड वाली सर कोड कैसे लगाएंगे है ना तो ये आपको समझ आएगा भी। जस्ट अभी दिखा रहे हैं बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप तो यह आ जाती है आपके पास कोड वाली फाइल कि सर हम इसको कैसे बनाएंगे देखो ये है आपके पास कोड की लिस्ट कि जब आप कृति देव पर कोई भी वर्ड आप स्पेशल बनाएंगे ना तो उसको कैसे बनाना होगा यह दिख रहा है कृति देव पर टाइपिंग कर रहे हैं एसएससी में हिंदी से आ, कौन से एविलेटेड रजत अगर हम एसएससी की बात करते हैं ना एसएससी तो एसएससी में हिंदी के ऑल पॉइंट अलाउड होते हैं हिंदी ऑल All fonts अलाउड सही है तो एस एस सी के अंदर सभी फॉन्ट अलाउड होते हैं बात करते हैं सर हमारा एक दिल्ली का सबसे अच्छा वोर्ड है डी ट्रिपल वी है ना तो यहां पर अगर हम स्टैनो की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा चलता है कृति देव कौन सा चलता है कुरुती देव, 10. ये सबसे ज्यादा डाउट बना रहता है बच्चों का है ना होता क्या है कि सर हमने तो कर लिया शोर्ट हैंड बहुत अच्छे से आती है उनको बहुत अच्छे से स्पीड भी अच्छी है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है है बट होता क्या है? सर हित कुरुती देव की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देना ओके ओके रजत डाल देंगे टेलीग्राम पर मिल जाएगी है ना होता क्या है डीएसएससी वाले कर लेते हैं जब वो स्किल देने आते हैं तब पता चलता है उनका स्क्रिप्ट नहीं चल रहा तो भाई जो भी तैयारी कर रहा है डी ट्रसवी या डी अगर या फिर हम बात करते यूपी पी या फिर एक और होता है अपने पास डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट कौन सा होता है यूपी पी एस सी सही है तो यूपी पी एस सी यूपी पी सी एल और अपना ये डी तो है ही इन सभी में क्रुति देव टेन ही चलता है इनके अंदर इनस्क्रिप्ट नहीं चलता तो जो अगर आपने यूपी पीसीएल असिस्टेंट वाले डाला है या फिर क्लर्क वाला डाला तो आप भाई सभी अगर आप इंस्टिट्यूट पर करते हैं तो अपनी टाइपिंग फोन चेंज कर लो अगर आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो ठीक है आ, सर हिंदी वाले कैसे करें हिंदी सॉरी इंग्लिश वालों के लिए तो बहुत इजी है था फनी मूवमेंट उसमें तो 26 की 26 की लिखी है वो भी बताएंगे कि टाइपिंग आपको स्टार्ट करनी है तो टाइपिंग कैसे सीखनी है सही है तो ये हो गया अपना लेआउट अब देखो इसमें देख लो आपको अगर मान लो कोई वर्ड है आपको लिखना है फ्राई आपको क्या लिखना है चलो हम इसको ना साइड कर देते हैं इसके ऊपर ही ही या फिर रुको ये तो आपको समझ आ गए ना क्यों ना हम इसकी कॉपी कर दें अब आपको हम समझाते हैं कि सर इनस्क्रिप्ट और कृति देव पर क्या डिफरेंस आने वाला है इनस्क्रिप्ट और कृति दे पर क्या डिफरेंस आने वाला अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं तो हमको कैसा पता चलेगा समझ कैसा आएगा कि हमको कौन सा इजी है तो यहां पर देख लो एक बार तो हम बताएंगे यहां पर इन स्क्रिप्ट का और इधर बताएंगे हम है आपको वर्ड लिखना है मान लो फ्राई वर्ड है आपके पास फ्राई ठीक है फ्राई तो सर जब आप टाइप करोगे पर तो सबसे पहले क्या लिखोगे फिर लगाओगे हरंत फिर रे फिर रे के बाद लगाओगे बड़ा है ना और फिर लगा दोगे बड़ी की मात्रा अब बात करते हैं क्रूती पर तो क्रूती पर जैसी आपको फरा बनाना है तो फरा बनाने के लिए आपको यह फरा बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कोड लगाना हुआ तो इसके लिए आप कोड क्या लगाओगे तो इसके लिए तो आप कोड यूज करोगे क्या मिला देखो फिराक पर कोड है ये सिक्सटीन नंबर पर एल्ट दो सौ इक्कीस क्या लगाओगे एल्ट पहले एल्ट प्रेस करोगे और एल्ट को छोड़ना नहीं है उसको प्रेस करे रहना है दबाए रहना है जब तक आप क्या ना लगा दो टू

तो कृति पर इस टाइप से लगोगे कोड और आपने अगर स्क्रिप्ट की बात करी तो आपने डायरेक्ट बना दिया उसमें ठीक है और किसी का कोई डाउट चलो इतनी बात समझ आई तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे मान लो क्रम लिखना है आपको जैसे कि आपको क्या लिखना है क्रम समझ आ रहा है ना सभी को जो एकदम बिगनर है जो टाइपिंग अभी स्टार्ट करने वाले थे उनको समझ आ रहा है कि सर हम कैसे लिखेंगे वर्ड मान लो सर क्रम लिखना है तो क्रम लिखने के लिए क्या हुआ एक बार तो क्रूति एक बार इनस्क्रिप्ट तो अगर हम क्रूति पर लिखेंगे क्र तो क्र हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हमको क्या लगाना पड़ेगा इसका कोड जो क्या होता है हमारे पास 216 सो तो एल्ट प्लस जीरो दो सो दबाएंगे तो हमारे पास बनकर आएगा क्र फिर क्या बना देंगे मैं लेकिन जब इंग्लिश स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे हलंद मारेंगे प्लस रे और बना देंगे मैं ये अपने पास डायरेक्ट क्या बन जाएगा वर्ड क्रम तो ये अपने पास क्या बन जाएगा किरम सही है सर आ, सर कोर्ड के नंबर तो नहीं कटेंगे ना हाई कोर्ट राजस्थान में नंबर कट नहीं कोर्ड लाने पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि रजत अगर आप इनस्क्रिप्ट कर रहे हो तो इनक्रिप्ट पर कोई कोड यूज होता ही नहीं है तो नंबर कटने की बात है ही नहीं बट हाँ अगर आप क्रूति पर करते हो तो आपको तो कोड लगाना ही पड़ेगा अगर आप कोड नहीं लगाओगे तो ये वर्ड ही नहीं बनेगा वर्ड नहीं बनेगा तो आपकी गलती हो जाएगी गलती हो जाएगी तो आपका नंबर कट जाएगा ठीक है अब बात आती है सर हमको इसको करना क्या है ये काम कहाँ पर आती है हिंदी टाइपिंग तो हिंदी टाइपिंग एक तो आपकी पोस्ट के लिए काम आती है क्लर्क और दूसरी आती है स्टेनोग्राफर ना या फिर स्टेनोग्राफी तो आप जब स्टेनोग्राफी सीखते हैं तभी आपको काम आती है सर हम सीखना चाहते हैं तो क्या हम ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं जी हाँ आप बहुत अच्छे से ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीख सकते हो अपने साथ डेली दो बजे सेम चैनल पर क्लास होती है दो बजे लाइव क्लास होती है शॉर्ट हैंड की तो आप ले सकते हैं अदरवाइज आप अगर पेड बैच लेना चाहते हैं तो अपना लॉन्च हो चुके हैं पेड बैच फिर अगेन ये सेकंड शिफ्ट है पेड बैच के है ना तो आपका ये इंग्लिश का बैच सुबह को नौ से दस चलता है और हिंदी का बैच शाम को सात से आठ चलता है आप दोनों बैच में से कोई भी ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कितने में तीन में नहीं आपको कोड लगाना है डिस्काउंट कोड वाई सिक्स फोर नाइन जैसे आप डाल लिखोगे वाई सिक्स फोर नाइन इसको अप्लाई करोगे तो अप्रोक्स नौ सो उन्नीस रुपए का है ना लेकिन आप जब यही बैच आप जब इसी कोड को आप एप्लीकेशन पर लाओगे जो अपनी ऐप है जब आप ऐप पर लाओगे तो ये आपको कोर्स पड़ेगा लगभग आठ सौ सत्तर रुपए के आसपास कितने का पड़ेगा आठ सौ सत्तर रुपए का ठीक है तो आप इसको कोड दो चीज लगानी एक तो ऐप इंस्टॉल कर लो और दूसरा कोड ला दो वाई सिक्स फोर नाइन ये वाला सही है तो ये अपने हो गए इंग्लिश की, की हिंदी की, और हाँ आती, आती तो ये, डिक्टेशन बैच, डिक्टेशन बैच तो ये ले लो जिसने अभी तक नहीं लिया ये आज से स्टार्ट होने वाला सत्रह तारीख से इसमें क्लास फर्स्ट क्लास आज होने वाली है इसमें, तो कोड क्या लाया ना वाई सिक्स नाइन डालते ही अप्लाई करोगे वाई सिक्स फोर नाइन तो ये अप्रोक्स इतना नौ सौ सत्तानवे रुपये का वही अगर इसको आप ऐप से लोगे तो ये लगभग पड़ जाएगा आपको नौ सौ उन्नीस या नौ सौ बीस रुपये के आसपास क्लियर है तो ये था आज का अपना सेशन कि हम हिंदी शॉर्ट हैंड कौन आ, हिंदी टाइपिंग कौन से फ़ोन पर करें जिससे कि हम जल्दी सीख जाएं सही है तो ये अपना फ़ोन था तो आपका कंक्लूजन क्या निकला आपके लिए कौन सा ईजिएस्ट रहने वाली है इन स्क्रिप्ट सही है तो अगर हम बात करते हैं सर हिंदी शॉर्ट हैंड कौन सी ईजी है या फिर हिंदी टाइपिंग कौन सी ईजी है तो इंग्लिश की तो अपनी यूनिवर्सल एक ही टाइपिंग फॉइंट है वाला है ना ये तो अपना एक ही है यूनिवर्सल बट अगर हम हिंदी की बात कर दें, तो हिंदी में भी इसी है एक इनस्क्रिप्ट और इनक्रिप्ट लेआउट आउट किसकी है मंगल की ही मंगल के अंदर इनस्क्रिप्ट सही है तो जो भी कोई नंबर मैसेज कर दूंगा इंस्टा पे जो भी अपना काम सही है जो भी हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो वो किस पर सीखेंगे टाइपिंग और शॉर्ट हैंड शॉर्ट हैंड तो आप नॉर्मल सीख ही रहे हो दो बजे डेली लाइव आते हो अपने साथ है ना डेली अपनी कितने बजे लाइव होती है रोजाना दोपहर दो, दो बजे लाइव क्लास होती है सर कहाँ पर होती है तो ये होती है एस एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन अड्डा टू फोर सेवन इंग्लिश हिंदी दोनों की शॉर्ट हैंड आपको पढ़ाई जा रही है टाइपिंग का ये है अब बात आती है अब आपका कोई भी सेशन है या फिर कोई भी डाउट है आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इसी टाइप से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद एक सेशन फिर से लेकर आएंगे ठीक है तो नेक्स्ट सेशन के लिए जब तक मिलते हैं फिर उसके लिए थैंक यू सेम टाइम पर सेम जगह मिलेंगे फिर आपकी डिमांड पर तो बाय क्लास टेक केयर हैव अ नाइस डे